सो गाइस फाइनली द डे हैज कम और हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। इतनी मुश्किलें आई सफर में, दो बार टिकट होके कैंसिल हो चुके हैं। फाइनली अब 7 बजे की ट्रेन है, 6:30 बज रही है। अब मैं जा रहा हूँ करण को लेने, भैया मेरे को छोड़ेगा। करण की मम्मी का फोन भी आ चुका है एक बार। सो बिना देर करे हम लोग निकलते हैं ऋषिकेश। हमने सामान भी रख लिया है, फाइनली वी आर रेडी टू गो। ये भैया है जो मेरे को छोड़ने जा रहा है, इसका दिमाग अपने भाई से बिछड़ने ज्यादा, सड़क पे जाती भी लड़कियों के ऊपर है। ये वीडियो जब भाभी देखेगी तब मालूम पड़ेगा। हम तो किशोरी दया के भक्त हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। As you can see, करण इज ऑलरेडी वेटिंग देयर और उसको बहुत टेंशन है कि हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो वो बोल भी आए हैं। करण क्या लगता है अपन टाइम पे कैच कर पाएंगे ट्रेन को? लगता नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो अपन ट्रेन हमारी छूट जाएगी, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर सुदीप को बोलेंगे कि तू वहां से चल जा, फिर अपन को बोलेंगे जीबी को छोड़ के अजमेर। ब्यावर के दुर्लभ नजारे, ट्रैफिक इज क्वाइट टू मच टूडे। लगता है ब्यावर वाले चाहते नहीं कि हम जाएं यहाँ से। आज भाई आ चुके हैं, इनकी ट्रेन मिस नहीं हुई। हेलो मदरफकर, जितना होशियार है बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, 5 मिनट और लेट होते हैं तो फिर इनकी शक्ल देखता है। ये जे 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 कंप्लीट गारमेंट जॉब वैभव खत्री, इनका भाई, जैसे मेरा भाई मेरे को छोड़ने आया था, इनका भाई इनको छोड़ गया है। देख सकते हैं ये वाली सीट और ये वाली बीच वाली सीट हमारी है, बट आंटी वगैरह ने हमारे कंपार्टमेंट के ऊपर कब्जा कर रखा है, इसलिए हमारे को देखो ऐसे इस पोजीशन में टंग के आना पड़ रहा है। बट हमें इस बात का कोई गम नहीं है। As you can see, थर्ड एसी की, इसके पास सेकंड एसी का टिकट है, स्टिल इसको देखो अब कैसे फंसा पड़ा है उधर, इस स्थिति में ये खाना खाने की कोशिश कर रहा है। क्या है गुरु हमारे पास खाने में? आलू मलाई कोफ्ता। दिखाना एक बार, मलाई कोफ्ता आलू। हेलो गाइस, आज सुबह का वक्त हो रहा है और एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ में। हमारे क्रांति वीर हर्ष भाई साहब मिले हैं, लड़के इनके प्यार में पागल है। शिवानी अग्रवाल नाम की एक लड़की ने इनका अपना नंबर दिया है, यहाँ पे पट्टे पे चिपका के गई है नंबर पट्टे पे। अब देखो क्या होता है। वैसे तो हम ऋषिकेश पहुंचने वाले, अभी बज रही है सुबह की 12 और हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। करण इज हियर और ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। ऋषिकेश पहुंचने की एक्साइटमेंट आप उन दो लोगों में देख सकते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, मस्त मगन में अपनी धुन का। को जाना मुस्टैश हॉस्टल, सुदीप को क्या एक्साइटमेंट हुआ है। हाँ सुदीप गाइस, ये है ऋषिकेश का, आपको मैं यहाँ पे आके बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि हमारे जो है हर्ष खत्री साहब वो बोल रहे थे कि स्टेशन में मजा नहीं है, बट ये तो बहुत ही शानदार स्टेशन है, 5 स्टार काफी हिंदुस्तान के वॉशिंग की तरफ से। और आप देखिए चेकिंग कितनी दवा की चल रही है यहाँ पे, दवा दवा के पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ऑफ दिस रेलवे स्टेशन इज कमेंडेबल, इसको देख के लग नहीं रहा कि हम किसी रेलवे स्टेशन पे हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट वाली वाइब है। जस्ट चेकआउट करें आप एक बार।
हमारे साथ में हमारे को यहाँ पे ओला बुक नहीं हो पा रही है, ऑटो वाले दिख नहीं रहे हैं, सो हो सकता है हमारे को कुछ देर पैदल चलना पड़े। देखिए गाइस, अक्सर टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा ही होता है, अब यहाँ पे हमारे को ओला नहीं मिल रही है और टेम्पो वाला मुँह पाड़ रहा है, उसने सीधे 350 रुपये मांगे हमारे को और ओला के अंदर 200 रुपये दिखा रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टूरिस्ट को परेशान नहीं करना चाहिए। आई नो कि ये कमाई का साधन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कमाना यार। सो गाइस, वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग इन मुस्ताश ऋषिकेश हॉस्टल, हॉस्टल जो भी बोल सकते हैं आप इसको। एक कमरे में हम 8 लोग रुकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे रूम में चेक इन कर लिया है और काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी डिसेंट रूम है, 8 बेड वाला रूम है। और अब हम जाएंगे थोड़ा नाश्ता वास्ता करने, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अभी जस्ट जस्ट स्कूटी रेंट पे ली है। बहुत सारी बार्गेनिंग करने के बाद में हमको स्कूटी पर डे पे 400 रुपये में पड़ी है। तो एक स्कूटी हमने मुस्ताश में खड़ी कर दी, दूसरी स्कूटी पे मैं और करण कुछ शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो देखते हैं कैसा रहता सफर। क्या कहता करण? एक नंबर हवा में आ रहा है वो। हवा में ही खुशबू है। गाइस, अब बजने हैं जिनके 1 और हमने मुस्ताश से शिफ्ट कर लिया है हॉस्टल के अंदर में। और हमने एक रिवर राफ्टिंग के लिए हमने राइड बुक कराई है 350 पर पर्सन की रेट से। तो अब हम जा रहे हैं उधर राफ्टिंग के लिए। तो मोबाइल तो शायद वहाँ पे ले जाने देंगे नहीं, क्या पता गिर जाए, पानी में ख़राब हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ के कुछ शॉट्स लेने की, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस हमारे साथ एक हो गई चोट। हम राफ्टिंग के लिए जा रहे थे, हम वहाँ पे पहुँचे तो रास्ते में हमारे को पुलिस वालों ने रोक दिया कि नदी का बहाव बहुत तेज़ है, तो आज शाम तक के लिए राफ्टिंग बंद हो गई है। तो वही वाली बात हो गई, लौट के बुद्धू घर को आया, अब हम वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कोई सीक्रेट वाटरफॉल वगैरह कुछ भी होता है तो कुछ तो एक्सप्लोर करें। शाम तक के लिए बंद है, जैसा भी कुछ सेटलमेंट बैठता है तो मोहित भैया हैं जो हमारे को इन्फॉर्म करेंगे, तो हम वापस से ट्राई करेंगे जाने का। तो बेचारा करण अभी गाड़ी में बैठते टाइम उसका हाथ जो है गाड़ी के गेट में फंस गया। कल उसका पैर में लगी थी, आज उसके हाथ में लगी थी। इसको हम सिंगल पीस में लेके आए थे, कोशिश करेंगे सिंगल पीस में ले जाएं, बट आसार लग नहीं रहे कि करण सिंगल पीस में जा पाएगा। करण मिल गया कुछ मेडिकल से? मेडिकल बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक्टिवा पे चलते हैं अभी। हम लोग निकले हम किसी वाटरफॉल की तरफ, रास्ते वहाँ को लग गई भूख, स्पेशली करण को। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मैगी मोमोज कुछ भी खाएंगे। ये देखिए आप मरते हुए वेल्लू है हमारे सुदीप जी। टट्टे आदमी का आज का ज्ञान है कि समय की वेल्लू है। वेल्लू, अच्छा वेल्लू ये है गड्ढे चल साथ में। हमने यही डालूंगा क्या सुदीप बच्चा? और रो भाई। सबसे आगे सुदीप। तो भाई हम लोग जा रहे हैं कोई वाटरफॉल की तरफ। क्या नाम बताया भाई वाटरफॉल का? एक सीक्रेट वाटरफॉल, सीक्रेट वाटरफॉल है ये, रास्ता देख सकते हैं आप। अब इसका नाम सीक्रेट वाटरफॉल क्यों रखा है? सीक्रेट माने गुप्त, तो ऐसे क्या गुप्तता है वहाँ पे, वो तो वहाँ पे जाके मालूम पड़ेगा। रास्ता देखें आप। चार टिकट दे दीजिए ना। 120 रुपये हो गए। आपके नाम बताइए आप। एक ही नाम बताऊं? हर्ष, हर्ष खत्री। कहाँ से आ रहे हो आप? राजस्थान से। नीर वाटरफॉल, अच्छा एंट्री फी ले रहे हैं। वापस दिखानी करनी तो नहीं है ना? पर्ची फट जाए तो ऊपर मांगेंगे। ऊपर मांगेंगे ऊपर, जब आप वाटरफॉल के लिए ऊपर चढ़ोगे ना। किस बात का टैक्स है ये?
हर जगह पे होता ही है, कहीं भी हर जगह हर प्लेस होती है तो अच्छा, ताकि उसको मेंटेन रख सकें, ताकि वहाँ पे वो मल। अभी तक तो आसान ऑफ रोडिंग है, मैं कहूँगा उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया कुछ ऐसी ऑफ रोडिंग बनाए कि इंसान को मतलब जो है डच के आ जाए और पट्टी भारी आ जाए, मतलब सड़क पे चलते चलते, क्योंकि मेरे को लग रहा है हो सकता आ जाए। बट आप देखिएगा, देखो सर नेचर को फील करो आप है ब्लॉग पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये हमको पता नहीं है कि नीर वाटरफॉल यही है किसके ऊपर है, लेकिन जनता यहाँ से काफी ऊपर जाती हुई दिख रही है। एक्टिवा नहीं चढ़ रही है, स्पीड देखो आप क्या होगी एक्टिवा के, हमारे वातावरण का खेल है, होश हो गए हम। नेचर कॉलिंग, अरे यहाँ पे लेंगे फोटो, और वो लोग अगर कैमरा मालूम नहीं पड़ रहा है यार, पर बादल के बीच में से जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा गाइस भाई थोड़ा रास्ता ना खाई में नहीं गिर जाए। गुरु वर्ष भाई मेडिटेशन चालू कर दी होगी, मेरे को तो लग रहा उनसे नहीं रुका के होगा। कैमरा इज नॉट डूइंग द जस्टिस, कैमरा इज नॉट डूइंग द जस्टिस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। शानदार अत्युत्तम, बदल ही आ गए जमीन पे। तो गाइस वाटरफॉल की तलाश में हम पहाड़ पे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और उस टाइम जो वाटरफॉल दिखाया था शायद वही वाटरफॉल था, नीर वाटरफॉल उसी को ही बोलते हैं, लेकिन हमारे को एक बहुत बढ़िया जगह मिली है। ये आप देखो उसका रास्ता,
उड़ी बाबा हाईलैंड कैफे नाम है इसका। देखते वहां पे जाके हमारे को क्या मिलता है। रास्ता बहुत क्रांतिकारी लग रहा, जानवर भी आ सकते हैं, सांप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इस चीज की वाइब अलग है, इस चीज की फील अलग है। ये जूते कैसे लग रहे हैं आपको? जूतों को करने पहना है कवच। 6000 के जूते जो यहाँ पे आके हो गए फेल, दो बार करण गिर गया, फिर उसने निकाल लिया तरकीब। करण यार तुम्हारे इंजीनियर होना चाहिए था। और अच्छा तुम्हारे भगवान जी हैं तुम्हारे जो बियर गर्ल्स जी, बीजी जी, ओह बियर ऑन ग्रिल्स रखता है गाइस। उड़ी बाबा यही है जगह जो देख के फर्स्ट नजर में मुंह से यही निकले, उड़ी बाबा। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा का हुई क्या काटा हमारा गाइस। 1 किलोमीटर हम नीचे चल के आए, मालूम पड़ा बंद पड़ा हुआ है। उड़ी बाबा मिल गया तो काट देंगे उसका, मालूम पड़ा बंद पड़ा हुआ है। अब हमको 1 किलोमीटर चढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा स्टीप। ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस फोक्स, हमारे सन्नी भैया तो हो गए एकदम सुप्ति के स्थिति में, और उनके हालत देखो पीछे बैठे हुए हैं, वो हेबलू गेबलू हो गए। पर मैंने कहा कि जो काम चालू किया है वो अधूरा रहे नहीं, इसलिए जितनी भी चीजें हैं और जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सोचा कि आपको दिखाई जाए। हम अभी हैं सिटी के दूसरे साइड, पहले हम थे लक्ष्मण झूला की साइड, अभी हम हैं राम झूला की तरफ, जहाँ पर काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स और काफी अच्छी मतलब मूर्तियां और ये सारी चीजें हैं, तो सोचा कि आपको दिखाया जाए। देखिए गाइज, अभी बज रही सुबह की 11 और हम लोग अभी जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल्स करके एक जगह है वहाँ पे। मेरे को हो गया कोल्ड, तो ब्लॉग तो ऐसा हो नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन जितना भी ये कोशिश करूँगा मैं डालने के लिए। ये देखिए आप, रास्ता थोड़ा ख़राब सा है, इसलिए हमने इनको एक्टिवा देकर आगे भेज दिया। हम पैदल आ रहे हैं, कैसा लग रहा करण? जन्नत, जन्नत की सैर हो रही है। लोग बाग गलत काम करते हैं जन्नत पाने के लिए, यहाँ पे फ्री में मिल रही है। अर्ज भाई अभी लेके ले जा रहे थे। अर्ज, अरे अर्ज भाई लोटा लेके चल रहे हैं। ओ दादा, अर्ज भाई ओपन डेफिकेशन अलाउ नहीं है, देख लो क्या है ये। जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको तो पता ही होगी, ये जो पानी जो हम बेटी का नाम से पीते हैं हिमालय का या किसी और ब्रांड का, ये सब यही चीज़ है बेसिकली ना। तो ये देखिए आप, बी वाटर, देखिए डायरेक्टली यहाँ से आप हाथ में लेके थोड़ा नीचे जाओ सनी का, हाथ दो आपका, एक हाथ दो आपका, वहाँ पे मार रखो पत्थर एक वहाँ पर। ब्लॉग के लिए देखिए आप मशक्कत कितनी हो रही है, अब पियो
अरे हाथ से भी हाथ से हाथ में खोलो तो भाई ये वेदिका वाटर है जो 60 रुपए का आता है एक बॉटल के अंदर एक चप्पल गिरवा नहीं रहती चली जाएगी जॉब के संख्या में आओ कर रहे आओ ओहो गाइस वाटर इज वेरी रिफ्रेशिंग ऐसा लग रहा है दूध है वी आर अबाउट टू रीच द स्पॉट कुछ शोर शराबा हो रहा है लगता है पार्टी चल रही है मजे हो रहे हैं देखते हैं दिस गाइज आर चिलिंग जय हो गंगा मैया यही है सीक्रेट वाटरफॉल और ऊपर है वहां पे ऐसे क्यों नहीं लाए आप यार हमको लगा पास में ही होगा अपन ये चल हॉट लिया था ये सीक्रेट वाटरफॉल नहीं है इसका छोटा रूप बता रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल का रास्ता यहाँ से बता रहे हैं 50 मीटर ऊपर जाके देखते हैं कि व्हाट द हाइट है कि नहीं इतनी जो मेहनत हुई है वो फल मिलता है कि नहीं मिलता चलो नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है यहाँ पे यहाँ हर कोई ग्रुप अपना अपना कब्जा पकड़ के बैठा हुआ है क्या हुआ यही है बस दिस इज दैट एंड दिस कांट बी ट्रू यार अरे यहाँ से नहीं चलते उधर से रास्ता है चलो क्या हुआ उधर से रास्ता है लौट के बुद्धू घर को आए यही है क्या सीक्रेट वाटरफॉल तो लोग बाग खोपचों में जिस हिसाब से जगह बैठे हैं आइडिया तो कुछ सीक्रेसी का ही लग रहा मंदिर हमारा भगवान भोलेनाथ का करंट ऊपर एक रास्ता फाइनली ढूंढ ही लिया जिसको हम ढूंढ रहे थे अब इसने रास्ता ढूंढ लिया अपन मेहनत नहीं करें ऊपर जाके तो आ गया हूँ मुझे विश्वास है इनकी मेहनत के ऊपर तो एचके के वर्ड्स के ऊपर भरोसा करना ठीक है इस तरह की रिसर्च हो सकती है हाँ सुदीप ऐसा तो नहीं हो गया बोले कि हमारा काटा हम तुम्हारा भी काटेंगे ओ बेटी यह है सीक्रेट वाटरफॉल सुदीप इज गोना मेक अ मूव कोशिश कर रहे हैं जाने की तो समझ में नहीं आ रहा कैसे जाया जाए क्या किया जाए कहीं बह गए तो करण तो गया गया वो चल अपन भी चले पक्की बात हाँ हाँ कांट एक्सप्लेन द फीलिंग देखो
बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हुई यहाँ से वहाँ से यहाँ पाने में, बिल्कुल प्रभास वाला बाहुबली वाला पोज जो है वो देखकर नहीं आ पा रहे। चप्पल गिर गए वहाँ चली गई ये तरंगिया लेने, बड़ी स्वीट ऑफ वो लोग सोच रहे हैं वहाँ पे क्या लगता है वो लोग आएंगे, मुश्किल लग रहा है। हम लोग भी उसी जगह पर खड़े हुए थे, ये रास्ते का मार है। अरे 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 करण थैंक यू ब्रो। करते हुए आई थिंक दैट्स द डेड एंड। सुदीप और का हर्ष भाई देख के आए हैं, अब हमारा मन नहीं कर रहा यार ऐसी क्रांतिकारी हरकत करने का। ये देखो आ जा आराम से आराम से आराम से, अब हम सोच रहे यहीं पर नहाने का। ऊपर तक में जगह यार, सुदीप ने अकेले नहीं मैगी खाली, ये गिर नहीं जाओ बस। ओए आगे देख के चल, ये जाएगा ट्रेजेडी में कहानी। सो गाइस हमारा नहाना धोना हो गया, ऐसा लग रहा है कोल्ड एकदम से चला गया पानी में से, जब तो यही लग रहा था बाहर निकल के थोड़ा लग रहा संकेत वापस आ रहे हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं वापस रूम में ही जाएंगे क्योंकि गीले हो गए हैं एटलीस्ट अंदर से, तो जाके फटाफट चेंज करते हैं और फिर खाते हैं कुछ। ये देखिए हमारी जनता जा रही, नेचर तो नेचर है भाई, अनमैचेबल। हाँ थोड़े थोड़े टाइम में ऐसा एक्सपीरियंस सबको करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमारी जाने में फट रही थी, कैसे मैंने पानी पिया था आपने देखा था, और इन लोग को देखो नेचर का लुक उठाते हुए। गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन हमारी वही है योगा एक्सप्रेस, और ऋषिकेश से दिल्ली तक हमारी जो सीट है वो है थर्ड एसी में, और दिल्ली से ब्यावर तक की जो सीट है वो है हमारी सेकेंड एसी के कंपार्टमेंट में। सुदीप उतर जाएगा गुड़गांव। एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, ऐसा लगा 3 दिन कम पड़ गए और वापस आना चाहेंगे। I don't know if I'm changing over in the moonlight, I can't kill this feeling sober, so it starts to come alive.